वैसे प्रैंक अच्छा खेला था तुम लोगों ने। दशरथ की साधना इतनी शैतानी होनी चाहिए। बट कीपिंग दैट असाइड, अभी क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? सी, मैं सारी पुरानी बातें ना भुला चुकी हूँ। एंड वी स्टार्ट अ न्यू फ्रेंडशिप विद अ न्यू बिगनिंग। फ्रेंड, हमें तुम्हारी फ्रेंडशिप की कोई जरूरत नहीं है। हमारा अपना ग्रुप है और इसमें कोई आउटसाइडर्स नहीं चाहिए। एनआरआई तो बिल्कुल भी नहीं। वर्ल्ड्स बेस्ट डॉटर, जो स्माइल करती है तो और भी अच्छी लगती है। अब आप बताइए सर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। ये बताओ कि पूरा पैसा उधार चाहिए या खुद भी लगाओगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर। इतने बड़े अमाउंट पर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, समझते हो ना? और सुनो, मुझे कोई भी टाल मटोल पसंद नहीं। पूरी रकम वक्त पे आनी चाहिए। पहली तारीख का मतलब पहली तारीख? जी सर। कोई गारंटी या प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए? बड़े अच्छे घर से हैं सर। सिंघानिया यहाँ के बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट हैं। हाँ, उनका बेटा है, यही बात अपने आप में गारंटी है। मैं इन बातों में नहीं पड़ता मिस्टर मल्होत्रा, ये तो आप जानते हैं। मेरे लिए ये पार्टी है, ना कि इनका खानदान। देखो बेटा, इसको ठीक से पढ़ लो और सारे फॉर्म भर दो। सर, ये फॉर्म्स मैं आपको कल भिजवा दूंगा। एक्चुअली मैं अपनी डिटेल्स अपने साथ नहीं लाया, लाइक माय पासपोर्ट डिटेल्स एंड ऑल। फाइन सो वन सेकंड। हेलो, हे, हाय निक, बात बनी कुछ? ऑलमोस्ट, ही इज इंप्रेस्ड। या कांग्रेचुलेशंस। तो पार्टी कब और कहां दे रहा है तू? पहले रेस्टोरेंट तो बन जाने दे, तब। ओके, डन। अच्छा, तूने फोन क्यों किया था? ओह या, एक्चुअली गड़बड़ हो गई है इसलिए। तेरी मॉम का कॉल आया था और गलती से मैंने कह दिया कि कॉलेज नहीं है, सॉरी। देखो बेटा, ये रजवाड़ों का खानदान है, इनकी पसंद थोड़ी अलग होती है। आज तक हमने जितने भी डिजाइन उन्हें पहुंचा है, उन्हें पसंद नहीं आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक जाकर उनसे पर्सनली मिलो, पता करो वो क्या चाहते हैं। ठीक है बाबूजी, मैं कल ही मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। नैतिक सर जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है कि ऐसे क्लाइंट से कैसे बातचीत की जा सकती है। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नमन ने कभी ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल नहीं किया है। बाबूजी, मुझे लगता है कि नमन का ही जाना ठीक रहेगा, वो अपने रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकता है। देखो बेटा, ये कारोबार है, कारोबार में क्लाइंट का समय बहुत अहम होता है, हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। ना तुम एक काम करो, बहू से कुछ डिजाइन बनवाओ और वो डिजाइन लेकर इस क्लाइंट के पास जाओ। जी बाबूजी। एक बार फोन करके देख बहू, अभी तक आई क्यों नहीं स्कूल से? हाँ, वैसे भी समय तो हो गया है ना, भगवान करे उसका आज का दिन अच्छा गया हो। नायरा, बेटा, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल? क्या हुआ बेबी, कैसा रहा स्कूल? बस अक्षरा, अब बहुत हो गया, कल मैं खुद जाऊंगी इसके स्कूल और टीचर से बात करती हूँ। ये भी कोई तरीका हुआ, बच्चों पे ध्यान ही नहीं है उन लोगों का। तो दिल छोटा मत कर बेटा, मैं मुन्ना से कहूंगी, जाके एक बार फिर से बात करेगा स्कूल में, नहीं तो हम इसकी स्कूल ही बदल देंगे। मैं नैतिक को फोन करती हूँ। आप लोग कितने क्यूट हो ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप लोगों के होते क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नायरा, दिस इज वेरी बैड। यहाँ हमारी टेंशन के मारे जान निकली जा रही है और तुम्हें मजाक सोच रहा है। गुड़िया, तू बदमाश हो गई है, सारी शरारतें अपने भाई से सीखी है ना। बहुत मजा आता है आप लोगों को परेशान करने में। वो सब छोड़ो, चलो अभी सच सच बताओ, स्कूल कैसा रहा तुम्हारा? इतना अच्छा नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था। नहीं सीना, तो मुझे पेशेंस रखने चाहिए। तो रख रही हूँ मैं पेशेंस, जब ठीक होना होगा तो हो जाएगा। एनीवेज, यू डोंट वरी। एनीवेज, आप लोग ना मुझे और मेरे स्कूल दोनों को थोड़ा टाइम दीजिए, ओके? अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत से ऑनी हो गई है, बहुत अच्छी अच्छी समझदारी वाले बातें कर रही है। चल आ जा, इसी बात पे अच्छा सा खाना खिला दी। आ जा। वेट, बट भाई कहाँ है? वो होते तो उनके साथ ही खाना खाते ना। हेलो एवरीवन। हे भाई, कहाँ
कहाँ थे तुम? कॉलेज गए थे मम्मा, पर जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ स्ट्राइक थी, इसलिए फिर कॉलेज बंद था तो मैं यश के घर चले गया था। भाई चलो हम खाना खाते काम। मैंने खा लिया छुटकी, तू भी खा ले। एनीवे आई हैव टू स्टडी, वरना पिताजी का लेक्चर फिर से सुनना पड़ेगा। हेलो अनन्या, आज घर नहीं जाना? नहीं यार, ये आर्टिकल कंप्लीट करना है और वैसे भी मुझे कुछ आइडियाज नहीं सूझ रहे। गर्मा गर्म कॉफी पियो, कड़क वाली, आइडियाज आ जाएंगे। थैंक्स, चल बाय। सी यू। बाय। आपको पता है ना, हमारे ऑफिस में ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं मिलते। भाई बड़ी दादी बुला रही है आपको। क्यों? अरे मुझे क्यों पता क्यों? मैंने नहीं पूछा। It feels awkward. मैं क्या ऐसे पूछूंगी? बड़ी दादी क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो भाई? क्या था मैं आपको उनसे? खुद जाके पूछ लूँ। और तू? तू भी चल यहाँ से। हाँ मैं तो चलूंगी ही। मैं थोड़ी ना तरह के कुछ करने वाली हूँ। चलो। चल चल। मैं बस देख रही थी। और तू यहाँ पे वापस क्यों आई? मेरी जासूसी करने आई थी ना? क्या है इस फाइल में? क्या छुपा रहा आप मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा, इसमें तो बस मेरे कॉलेज के एडमिशन के पेपर्स है, इनको सेफ ही रख रहा था। मुझे तो नहीं लगता ये कॉलेज के एडमिशन के पेपर्स है। अगर तुझे ऐसा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ? तू बड़ी दादी का बहाना बना के मेरी जासूसी करने आई थी ना? यार पिताजी ने भेजा था तुझे यहाँ। हेलो, मैं कोई जासूसी करने नहीं आई हूँ और किसी ने भेजा नहीं है मुझे। और आप ना बात बात में पापा को ब्लेम करना बंद करो। He's changed now. Don't blame him. वैसे भाई क्या आप मेरे बिना कोई प्लानिंग कर रहे हैं? अगर ऐसा तो आप मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और रियली? चल भाग यहाँ से, चल आग बिल्ली गई की। क्या मैं तुझे जानता नहीं हूँ? स्पाई कैम। चल निकल। मतलब डुगू वहां नहीं आया था? मुझे तो लगा यश के साथ था। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये लड़का भी ना। क्या हुआ मॉम? आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं टेंशन नहीं लूंगी तो कौन लेगा? मैं मम्मा हूँ, बच्चों की टेंशन लेना मेरा परम धर्म है। डुगू भी ना पता नहीं क्या करने वाला है। मुझे टेंशन है कि कहीं ऐसा वैसा ना करते, कुछ और नैतिक नाराज ना हो जाए फिर से। I don't think so, ऐसा कुछ भी होगा। और अगर वो किसी परेशानी में आ गया तो? ओ मम्मा, प्लीज आप इतना मत सोचो। भाई बहुत बड़े हो चुके हैं and he knows क्या गलत है और क्या सही। यही तो प्रॉब्लम है तुम बच्चों की। तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगते हो और यही हमारे लिए सबसे बड़ी टेंशन बन जाती है। फिर ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा।
जब तुम लोग हमारी जगह पर आओगे ना तब तुम्हें बात समझ में आएगी। ओके, देन हम वेट करेंगे उस दिन का आपकी जगह पे आने के लिए। पर तब तक ना आप भी एक बात समझ लो ताकि आपकी टेंशन कम हो कि हम बच्चे अपने डिसीजंस इसीलिए लेते हैं बिकॉज हमें पता है ये हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो हमें गाइड करेंगे और अगर सही चलेंगे तो सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, राइट? राइट। अब क्या डाला आपने? ये जो बेसन है ना हम इसे दही में मिलाएंगे ऐसे। मैं करूँ? हाँ। दीदी मुझे याद आया, जसमीत को याद दिलाना है कि नानू को ट्यूशन से वापस ले आ। हाँ। अभी आती हूँ बेटा। अब वो नहीं डालेंगी, वो जो होता है ना छोटा सा स्टिक जैसा। हाँ। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है बट हमारे हॉस्टल में ना पुलाव में डलते थे, बहुत अच्छे। क्या दालचीनी? यस एग्जैक्टली। कैसा नाम है ना उसके अंदर चीनी की स्वीटनेस होती है और ना ही कोई दाल का फ्लेवर, पर मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। क्या हुआ? अक्षरा की याद आ गई, उसे भी दालचीनी बहुत पसंद है। इतने साल हो गए उनकी शादी को बट आप अभी भी उन्हें बहुत मिस करती हो ना, और वो भी इतना कि आपकी आंखें नम हो जाती हैं। सारी माएं एक जैसी होती हैं, बेटी चाहे कितनी भी दूर चली जाए कितने ही बरस हो जाए उसके ब्याह को, माँ को तो याद आती ही आती है। सारी माएं एक जैसी नहीं होती हैं। संजू सॉरी बेटा, मैंने देख मैं मतलब अनजाने में मुझसे माँ नहीं तो क्या, मेरे पास एक ऐसी दोस्त है जो मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है और मेरा ख्याल रखती है। कड़ी उबल गई, उबल गई। बड़ी दादी ये सुनेंगी आप, ये कान्हा जी पे है। हाँ लल्ला, मुझे कान्हा जी के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। लल्ला तू ढूंढ ले बेटा, तब तक मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। भाभी माँ चाय? रख बहू, आके पीती हूँ। दुगु तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम बुआ के यहाँ गए थे? बुआ ने तो कहा कि तुम वहां नहीं आए थे, तुमने कहा तुम यश के घर गए हो। यश के घर नहीं, यश के साथ कहा होगा मम्मी। हाँ मम्मा, नक्श मेरे साथ ही था और भी काफी फ्रेंड्स थे हम वो। मम्मा मैंने गलती से घर बोल दिया होगा, मेरा मतलब वही था कि मैं यश के साथ था। कैसे हो यश, कुछ पियोगे? हाँ हाँ कुछ भी चलेगा। मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स भाई, तूने मुझे बचा लिया, वरना अगर मम्मा को शक हो जाता ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। इट्स ओके यार। अच्छा एक काम कर, वो लोन के डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि सब ठीक है या नहीं। वैसे मुझे अभी भी थोड़ा रिस्की लग रहा है पर ठीक है, तूने डिसाइड कर लिया तो क्या कहूँ, भाई हूँ सपोर्ट तो करूँगा। थैंक यू भाई। अच्छा इतना मिस मत कीजिए, मैं आ गया। बहुत लेट हो गया। हाँ, एक्चुअली क्लाइंट आ गए थे अक्षरा, इधर उधर की बातें करने लगे, फिर केप टाउन की बातें शुरू हो गई और फिर कृष्णा के बारे में उन्हें बताने लगा। टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मन भी कितनी अजीब चीज है ना, जब वहां होता था तो यहाँ की यादों में मैं गुम रहता था और अब जब यहाँ हूं तो फिर वहां की यादें सता रही। वैसे आपके साहबजादे काफी पढ़ाई कर रहे हैं, देखा मैंने, इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो गया? आप उसके कमरे में गए थे? हाँ अभी देखकर ही आ रहा हूँ, अपनी पसंद का कोर्स कर रहा है, अभी नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। बेकार में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, नैतिक को बता के कहीं उन्हें और परेशान ना कर दो। अरे आज मेरी प्रिंसेस किचन में क्या कर रही है? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। वो आपके और मॉम की टी और ये मेरा स्पेशल ब्रेकफास्ट। किस खुशी में? जस्ट टू से थैंक्स, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया
उस स्कूल वाले मैटर में उसके लिए। मत पापा, मुझे इतना ही आता है। भाई इतना ही बहुत है। अच्छा बताओ, तुम्हारी कुछ हेल्प वेल्प करूं मैं? यस, आप ना मेरे और मिस्टी के टिफिन के लिए वेज ऑमलेट बना दो। ठीक है, मैं बना देता हूँ, तुम लोग ब्रेकफास्ट करो। क्या बनाना है मुन्ना, मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ, तू रसोई से बाहर जा। अरे नहीं भाई माँ, बल्कि आप बैठिए, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। ना ना ना, ये औरतें वाले काम तो छोड़ दे बेटा। औरतों और जेंट्स के काम अलग होते हैं क्या? आपको पता है बड़ी दादी, जब पापा केप टाउन में थे ना, तब वो सब कुछ बनाते थे, यहीं पे आके थोड़े सुस्त आराम हो गए हैं, बिकॉज़ आप लोगों ने कुछ करने ही नहीं देते है मुन्ना। यस बड़ी दादी, पता है डैड ना केप टाउन में इतनी सारी चीजें बनाते थे, हलवा, कचोरी, समोसा, वो भी मॉम से भी ज्यादा टेस्टी। नारा बस अब चुप करो, हाँ तुम जाओ स्कूल की तैयारी करो। ओके पापा। अरे अरे भैया तो उस जल गए। ओहो हाँ, फिर उसे अच्छे से ब्लांच कर दीजिए। ब्लांच मतलब कि पहले आप गर्म पानी में डालिए, उसके बाद तुरंत निकाल के उस पर ठंडा पानी डाल दीजिए, फिर दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए पका लीजिए बस। हाँ बहुत सिंपल है, मैं आज ही बनाऊंगी यश के लिए, उसे बहुत पसंद है। हाँ अच्छा दीदी, याद आया मुझे, सॉरी हाँ कल के लिए मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। एक्चुअली मैं खुद भी परेशान हो गई डुगू के चक्कर में, वो था यश के साथ, उसने मुझे बोला कि उसके कुछ फ्रेंड्स के एडमिशन के चक्कर में। अब यही बात पहले बता देता तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। ये बच्चे भी ना बहू। अच्छा दीदी मैं रखती हूँ, भाभी मैं बुला रही हूँ, बाय। अरे भाई किसे लव लेटर लिखा जा रहा है, जरा हम भी तो देखें। रेसिपी तो फिर आप सोच क्यों रही, बनाइए जल्दी इसको। हेलो क्या हुआ? मोहित, यश ने हमसे झूठ बोला कि वो बाइक ठीक कराने गया है, बल्कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया। ओहो तो आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं? पार्टी करने गया था ना, कोई गुनाह थोड़ी किया है उसने। लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है, हमने कोई रोक टोक की है क्या कभी? अब देखिए आप अपना वक्त भूल गए, कितने झूठ बोले, बहाने किए आपसे मिलने के लिए। हाय जमाना बदल गया, लेकिन आपका शर्माने का अंदाज नहीं बदला। ऐसा कीजिए, कितने दिन हो गए हमें कविता नहीं सुनाई आपने, 2 लाइन सुना दीजिए, सिर्फ 2 लाइन। क्या मोहित, मुझे काम कर। अरे सुनिए ना, सुनिए 2 लाइन बस, 2 लाइन। अच्छा ठीक है हम शुरू कर देते हैं। अर्ज किया है मुझको, मुझको हुआ क्या है ए मेरे दिल, मुझको हुआ क्या है ए मेरे दिल, जाने क्यों मैं भूल गया हूँ भरना बिजली का बिल। बिल क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? 1 सेकेंड। हेलो जी जी जी, बस थोड़ी टाइम में आता हूँ जी, पक्का पक्का। यस मम्मा। अक्षरा पड़ोस की सुदर्शना का के है ना नीचे आई है तुमसे मिलने, चलो आओ ना। जी चलिए। डुगू कहाँ जा रहे हो तुम इतनी सुबह सुबह, कॉलेज तो बंद है ना आज? हाँ मम्मा, वो क्लासेस बंद है लेकिन कॉलेज खुला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। आपको मैंने बताया था ना कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके एडमिशन का कुछ चक्कर है तो। पक्का? हाँ पक्का मम्मा। अरे लड़का तू उस तरफ जा रहा है ना तो मुझे भी मंदिर छोड़ देना बेटा। हाँ चलिए बड़ी दादी, जल्दी जल्दी चलते। Moneylenders?
ये कार टुकू के पास क्या कर रहा है? कहीं टुकू इसी से तो मिलने नहीं गया है? भगवान, अक्षरा, जरा महाराज जी से कह दो ना दोपहर में खाने में क्या बनाना है, मुझे दवाई बनानी में अभी आई जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।